नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्सेस रामगढ़ में। दोस्तों, आर्मी पब्लिक स्कूल रांची के द्वारा यहां पे जो है एक रिक्वायरमेंट की नोटिफिकेशन यहां पे निकाली गई है। रिसेंटली में जो है इसकी एडवर्टाइजमेंट यहां पे जारी हुई, ठीक है। दोस्तों, अगर आप इसमें सिलेक्टेड होते हैं तो उनको अच्छी सैलरी के साथ साथ जो है अदर एलोवेंस भी आपको यहाँ पे दी जाएगी। तो कौन से कैंडिडेट आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, क्या क्वालिफिकेशंस आपको यहाँ पे ली जा रही है एंड कौन सी पोस्ट के लिए यहाँ पे जो है आर्मी पब्लिक स्कूल रांची के द्वारा रिक्वायरमेंट निकाली गई, सारा डिटेल्स आपको इस वीडियो में आगे यहाँ पे देने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो को आप लाइक कर दें और वीडियो थोड़ी सी भी अगर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन होगा उसको भी क्लिक करके ऑल पे प्रेस कर लें, जिससे कि कोई भी झारखंड की गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट जॉब की इन्फॉर्मेशन आती या फिर किसी भी प्रकार की इंपॉर्टेंट नोटिस आएगी तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मिल जाया करेगी। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। सो दोस्तों, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो रिसेंटली में आर्मी पब्लिक स्कूल रांची के द्वारा यहाँ पे जो है निकाली गई है। इसमें जो रिक्वायर्ड से वाइस प्रिंसिपल्स की जो है यहाँ पे रिक्वायर्ड से, तो अगर आप एज ए वाइस प्रिंसिपल के तौर पे आर्मी पब्लिक स्कूल रांची में अगर आप सर्विस करना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट होंगे, अगर आपके पास गुड प्रोफेशनल नॉलेज एंड आईटी स्किल्स के अगर आपके यहाँ पे जानकारी होगी तो ही आप जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें आप देख पा रहे हो कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो दी गई कि शुड हैव मास्टर डिग्री विथ बीएड। तो अगर आप मास्टर डिग्री के साथ अगर आप बीएड कर रखे होंगे एंड अगर किसी भी रिकॉग्नाइज स्कूल से जो है 3 ईयर्स की पीजीटी किए होंगे लास्ट 10 ईयर्स में, और साथ में आपका टोटल जो टीचिंग नॉट लेस देन 9 ईयर्स की होगी एंड मैक्सिमम एज जो है 55 ईयर्स से आपकी बिलो एज की क्राइटेरिया होगी एंड साथ में आपका कंप्यूटर की जानकारी होगी तो ही आप जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये सब सारी जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको यहाँ पे रखी गई है अगर आप वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए अगर आप आवेदन करना चाहें, ठीक है। जो पे एंड अलाउंस आपको यहाँ पे दी जा रही है, तो एज पर AWES नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे सैलरी दी जाती है, जो पेमेंट आपको यहाँ पे दी जाती है, तो उसके आधार पर आपको यहाँ पे दी जाएगी। जो सिलेक्शन के प्रोसेस आपको यहाँ पे रखी गई है, तो थ्रू पैनल इंटरव्यू ओनली कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट बेस्ड ऑन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एंड दियर क्राइटेरिया एज मी कंसिडर बाई द मैनेजमेंट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो क्वालिफिकेशंस आप यहाँ पे शो करते हैं, एक्सपीरियंस यहाँ पे शो करते हैं, तो उसमें अगर आप शॉर्टलिस्टेड होते हैं तो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को ही जो है यहाँ पे इंटरव्यू के लिए यहाँ पे बुलाई जाएगी। तो ओनली जो है आपका इंटरव्यू के माध्यम से जो है आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाली है। तो दोस्तों, इस फॉर्म को आप कैसे आवेदन कर पाएंगे, तो यहाँ पे आप देख पा रहे कि जो यहाँ पे मेंशन की गई इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट में अप्लाई ऑन प्लेन पेपर इंक्लोजिंग बायोडाटा एलोंग विथ 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, कॉपीज ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, टेस्टिमोनियल सर्टिफिकेट, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर्स एंड एनी अदर रिलेवेंट डिटेल्स इन ए सील्ड एनवेलप मार्क्ड एप्लीकेशंस फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रिंसिपल एंड सेंड बाय रजिस्टर स्पीड पोस्ट टू आर्मी पब्लिक स्कूल रांची, डिपाटोली कैंट होटवार वीएड एनवीवी रांची 835217, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो आपका प्लेन पेपर आपको यहाँ पे ले लेनी है, उसमें जो भी आपका बायोडाटा होगा, सीवी होगा, वो सब सभी को जो है आपको अच्छी तरह से डिटेल्स वहाँ पे जो है लिख लेनी है। उसके साथ जो है आपका 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो है आपको यहाँ पे लगेगा और जो एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट होगा, टेस्टिमोनियल का सर्टिफिकेट होगा, वो सारी डॉक्यूमेंट्स को जो है आपको अटैच कर लेनी है। ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब सभी जो यहाँ पे डिटेल्स दी गई है वो सब सभी डिटेल्स जो है आपको जो प्लेन पेपर में आपको यहाँ पे अच्छी तरह से जो है वहाँ पे लिख लेनी है। उसके बाद आपको इनवेलप जो होगा, इनवेलप जो है उसके ऊपर में आप किस पोस्ट के लिए यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो वाइस प्रिंसिपल पोस्ट है इसके लिए आवेदन करते हैं, तो वो आपको इनवेलप के ऊपर में जो है आपको लिख लेनी है। उसके बाद आप किसी भी रजिस्टर या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से यहाँ पे जो एड्रेस दी गई है आर्मी पब्लिक स्कूल दीपाटोली, इस एड्रेस में जो है आपको 1 अक्टूबर से पहले जो है आपको यहाँ पे भेज देनी है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप एलिजिबल होंगे तो ही आप जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपका किसी भी प्रकार की जो है एप्लीकेशन फी भी यहाँ पे नहीं ली जा रही है, ना ही आपको रिटर्न टेस्ट ली जा रही है, सीधी भर्ती है। अगर आप एलिजिबल होंगे तो आप बिल्कुल इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।